नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जीके के जो एसओएफ का साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का जो पेपर होता है उसको डिस्कस करेंगे। जो सैम्पल पेपर आया है उसको देखेंगे और कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो यहाँ पर आपको देखने को पता चलेगा। तो जैसे देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द रेन फॉरेस्ट विच इज कॉल्ड लंग्स ऑफ अवर प्लैनेट। ठीक है, क्लास एट्थ का है तो एट्थ लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो पूछा गया है कि जो लंग्स ऑफ प्लैनेट है वो कौन कहलाते हैं। तो पहला दिया है एशियन रेन फॉरेस्ट, दूसरा दिया है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, तीसरा दिया है असम रेन फॉरेस्ट और चौथा दिया है अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया व्हेन अ बैंक स्टेटमेंट। देखिए, अगर आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट आता है और कुछ ये कहता है कि 500 रुपीज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, मतलब 500 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। अब ये क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ये मेनली आपसे इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 500 इज डिपॉजिटेड टू योर अकाउंट, विदड्रॉन या फाइंड। तो देखिए, फाइन का ज्यादा वैसा कोई मैसेज आता नहीं है बैंक से, या तो विदड्रॉन का आता है। विदड्रॉन का मतलब होता है निकाल, विदड्रॉन का मतलब होता है निकालना, और निकालने को क्या कहते हैं, डेबिटेड कहते हैं। याद रखिएगा, डेबिटेड कहते हैं निकालने को, विड्रॉन को। ठीक है, लेकिन जो क्रेडिट होगा पैसा, इसका मतलब पैसा डिपॉजिट हो रहा है आपके अकाउंट में। तो यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए कहा गया है आइडेंटिफाई द इंडियन साइंटिस्ट हु फाउंड आउट दैट व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो देखिए, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास होती है, ठीक है, तो क्या होता है, सम ऑफ इट अंडरगोस चेंज इन इट्स वेवलेंथ। तो उसकी वेवलेंथ में क्या होता है, चेंज होता है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास होने पे भी क्या होगा, वेवलेंथ में चेंज होगा, ऐसा किसने बताया था। तो ये बताया था किसने, प्रोफेसर सी वी रमन ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्हीं के उस पर अगर आप देखेंगे तो साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो नेशनल साइंस डे जो 28 फरवरी को मनाया जाता है वो इन्हीं के बर्थडे के दिन मनाया जाता है, इन्हीं को याद में। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया ग्रेट अमाउंट ऑफ वर्क पर्टेनिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बीइंग डन एट विलेज भिराना। अब देखिए, आपको बताना है जो विलेज भिराना है, मेनली इसके बारे में पहले समझ लीजिए कि बहुत सारा काम इस विलेज के लिए हुआ है, बहुत एक्सकेवेशन भी हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो विलेज भिराना में हुए। आपको बताना जो विलेज भिराना है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब कहाँ पर ये लोकेटेड है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु या बिहार, तो यहाँ पर जो हरियाणा है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, मंगलयान से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया मंगलयान हैज़ बीन कॉल्ड द सुपर स्मार्ट स्पेस क्राफ्ट। तो देखिए, मंगलयान को सुपर स्मार्ट स्पेस क्राफ्ट कहा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन इट। तो इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, तो याद रखिएगा, भारत में कोई भी स्पेस क्राफ्ट भेजाता है तो उसके लिए जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, इसरो है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और यूएस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है नासा, तो ये यूएस की है। PSLV क्या होता है, तो पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एक लॉन्चिंग व्हीकल है जिससे जो रॉकेट्स होते हैं उनको लॉन्च किया जाता है। टिस्को जो है वो टाटा स्टील है, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर नाम थे, लेकिन ये जो सही आंसर है दैट इज इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन में कहा गया इफ वन लैक्टोज इनटॉलरेंस, ठीक है, मतलब कोई पर्सन है जिसको लैक्टोज इनटॉलरेंस है, मतलब वो लैक्टोज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, लैक्टोज जब उसकी बॉडी में जा रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है उसकी बॉडी में, ही शी इज लाइकली टू अवॉइड। तो उसको क्या अवॉइड करना चाहिए पूछा गया है। तो देखिए, लैक्टोज क्या है, लैक्टोज मेनली मिलता है किससे, मिल्क से, ठीक है। लैक्टोज किससे मिलता है, मिल्क से मिलता है। तो अगर बॉडी लैक्टोज को नहीं पचा पा रही है, नहीं डाइजेस्ट कर पा रही है, कुछ बॉडी में ऐसे रिएक्शंस होने लग रहा है, जा रहे हैं, तो पर्सन को क्या करना चाहिए, मिल्क को अवॉइड करना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। क्योंकि देखिए होगा क्या, दूध पिएगा तो पर्सन को क्या मिलेगा, लैक्टोज मिल जाएगा, और बॉडी लैक्टोज एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट पे 7th क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। अब देखिए, इंडोनेशिया अगर आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, एक बड़ी सी कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, जैसे जावा, सुमात्रा, ठीक है, जकार्ता, ऐसे ऐसे आप कई सारे आइलैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूछा गया है करंट प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के इसमें प्रेसिडेंट देखेंगे तो जोको विडोडो है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8th पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में कहा गया इफ इन अ क्लास व्हाइल टीचर इज टीचिंग अ लेसन। तो देखिए, क्लास में क्या है, एक टीचर है और वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है या क्या कर रही है, वो एक लेसन पढ़ा रही है क्लास में। तो पूछा गया है क्या चीज सही है, इट इज गुड आइडिया टू रीड द सेम चैप्टर। तो क्या आप सेम चैप्टर को रीड करते रहेंगे, तो नहीं।
इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू टेक नोट्स, ठीक है, नोट्स बनाते रहना चाहिए। देखिए कोई भी पर्सन अगर पढ़ा रहा है, जैसे हम ही मान लिया पढ़ा रहे हैं, तो आपको लगता है कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसके नोट्स बना लीजिए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट मैटर्स लिटिल एज वन कैच अप द कोचिंग क्लासेस, तो कोचिंग क्लासेस को बिल्कुल भी अवॉइड करिए, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं देखी आएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एक मूवी से पूछा गया है, अ डिलाइटफुल मूवी द गॉड मस्ट बी क्रेजी, ठीक है, तो एक पिक्चर है जिसमें गॉड मस्ट बी क्रेजी पिक्चर का नाम है, मेड ऑन अ ट्राइब ऑफ कालाहारी डेजर्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेनली आईएएस में भी एक बार पूछा आ चुका है। तो गॉड मस्ट बी क्रेजी जो पिक्चर आई थी, ठीक है, वो मेनली एक ट्राइब से रिलेटेड थी, और ट्राइब कहाँ की थी, कालाहारी डेजर्ट की। कालाहारी कहाँ पड़ता है, तो ये अफ्रीका का एक डेजर्ट है, ठीक है, अफ्रीकन डेजर्ट है ये। अब पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द ट्राइब, तो किस ट्राइब के बारे में इस पिक्चर में बताया गया है, तो ये बताया गया बुशमैन ट्राइब के बारे में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, इसमें कहा गया है डैश इज द फिजिसिस्ट इंजीनियर, ठीक है, एंड इन्वेंटर। तो देखिए यहाँ पर एक इंसान के बारे में बताना है जो फिजिसिस्ट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, इन्वेंटर भी हैं, हुज नेम इज सिनोनिमस विद स्मॉल स्पीकर्स दैट जनरेट बिग साउंड। तो उनके नाम का मतलब क्या है, तो नाम का मतलब है छोटा सा स्पीकर जो बहुत हाई साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये है अमर जी बोस, ठीक है, अमर जी बोस। आप लोग ने कंपनी सुनी होगी बोस करके, आप देखेंगे, ठीक है, तो एक कंपनी आती है BOSE बोस करके, इसका स्पीकर बनता है, तो ये जो स्पीकर आ रहा है वो इन्हीं, मतलब इन्होंने एक तरीके से उसको इन्वेंट किया है, तो इन्हीं के नाम से वो दिया गया है बोस कंपनी का स्पीकर, ठीक है, तो अमर जी बोस इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर तीन दो जगह बोस आपको देखने को मिलेगा, तो JC बोस का उससे कोई मतलब नहीं है, इसका जो सही आंसर है दैट इज अमर जी बोस। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा और भी कई सारे MCQs हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपने रिविजन को अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।